दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ सर आर्थर कॉनन डॉयल की एक बेहद ही दिलचस्प कत्ल की कहानी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने अपने दोस्त शर्लक होम्स को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना स्वस्थ कभी नहीं देखा जितना वर्ष 1895 में देखा था। बाकी महान कलाकारों के समान होम्स भी सिर्फ कला के लिए ही जीवित रहता था। यदि इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दें तो मैंने कभी शर्लक होम्स को अपनी सेवाओं के बदले कुछ लेते नहीं देखा। होम्स बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था। अक्सर वो शक्तिशाली और धनवान लोगों की मदद करने से इसलिए मना कर देता था क्योंकि उनकी समस्याओं में उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नजर नहीं आती थी, जबकि गरीब असहाय लोगों की मदद करने के लिए वो कई हफ्तों तक खुद को झोंक सकता था क्योंकि इन समस्याओं में उसकी कल्पनाशीलता को छूने की एक विचित्र और नाटकीय सामर्थ्य होती थी, या फिर ये उन समस्याओं को एक बड़ी चुनौती के समान समझता था। इस भुलाए ना जा सकने वाले वर्ष 95 में शर्लक होम्स के सामने कई अजीबो गरीब केसेस आए, जिनमें से ये वाला केस इतना असाधारण है कि होम्स की कहानियों का विवरण इसके बिना अधूरा ही माना जाएगा। ये वर्ष 1895 की बात है, जुलाई का महीना था। जुलाई के पहले हफ्ते में मेरा दोस्त काफी लंबे समय तक के लिए कई कई बार घर से गायब रहा था। इतना तो मैं समझ गया था कि शर्लक जरूर किसी बेहद जरूरी काम में लगा है। जिस दौरान वो घर पर नहीं रहता था उस दौरान दुष्ट चेहरों वाले बहुत से आदमी कैप्टन बेसिल के बारे में पूछताछ करने आते रहते थे। बस इसी से मैं समझ गया था कि शर्लक होम्स अपने बहुत सारे नकली नामों और नकली रूपों में से किसी एक के अधीन छुपकर काम कर रहा था। लंदन के कई कई हिस्सों में उसके पास कम से कम 5 ऐसी जगहें थी जहां वो अपना व्यक्तित्व बदल कर रहने में सामर्थ था। उसने अपने काम के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था और जोर डालकर पूछने की मेरी आदत नहीं थी। उसने अपनी जांच के बारे में जो पहला संकेत मुझे दिया वो बड़ा ही अजीब था। एक दिन वो नाश्ते से पहले ही निकल गया और मैं बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था, तभी वो कमरे में आया। उसके सर पर एक हेड था और बाह में छाते की तरह खूंसा हुआ एक भाला। शर्लक को उस तरह देखकर मैं हैरान हुआ और मैंने कहा, हे भगवान शर्लक, अब तुम ये मत कहना कि तुम इस तरह से पूरे लंदन घुमाए हो। मेरी बात के उत्तर में शर्लक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पूरा लंदन नहीं, मैं सिर्फ कसाई की दुकान तक गया था वॉटसन। कसाई की दुकान? पर क्यों? मैंने पूछा। शर्लक ने कहा, माय डियर वॉटसन, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है और नाश्ते से पहले अगर थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए तो काफी अच्छा रहता है। और वॉटसन, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं किस तरह की एक्सरसाइज करके आ रहा हूं। मैं ऐसी कोई कोशिश करना भी नहीं चाहता होम्स, मैंने कहा। अपने कप में कॉफी उड़ेलता हुआ शर्लक हंसा और बोला, अगर तुम 48 की दुकान पर होते ना वॉटसन, तो तुम पाते कि वहां छत पर एक मरा हुआ सुअर लटका था और एक आदमी नीचे खड़ा इस भाले से उस पर बेहद ही गुस्से के साथ वार पे वार किए जा रहा था। वो आदमी मैं ही था और मैंने खुद को संतुष्ट किया ये देखकर कि मैं एक ही वार में बिना ज्यादा मेहनत किए उस सुअर का काम तमाम कर सकता हूं। क्या तुम ट्राई करना चाहोगे वॉटसन? बिल्कुल नहीं होम्स, मैंने कहा, प्लीज मुझे ऐसा शौक नहीं है। वैसे तुम ये कर क्यों रहे हो और मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि वॉटसन, मुझे ऐसा लगा था कि वुडमैन ली के रहस्य से इसका कोई ना कोई संबंध जरूर है। और हॉपकिंस, मुझे पिछली रात तुम्हारा तार मिला और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो अब अंदर आ भी जाओ। मुझे हॉपकिंस के आने की आहट भी नहीं हुई थी और शर्लक को पता चल गया था कि वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। ये एक 30 साल का बेहद ही सतर्क आदमी था जिसने ट्वीट का सूट पहना हुआ था और प्रथम दृष्टि में जो काफी अकड़ू दिखाई दे रहा था। इसका नाम था स्टैनली हॉपकिंस। हॉपकिंस एक युवा पुलिस अधिकारी था जिसके भविष्य से शर्लक होम्स को काफी आशाएं थी। हॉपकिंस खुद भी शर्लक के वैज्ञानिक तरीकों का बड़ा ही प्रशंसक था। हॉपकिंस के माथे पर बल पड़े हुए थे और वो बड़ी ही निराशा के साथ वहां कमरे में आकर एक कुर्सी में बैठ गया। शर्लक ने हॉपकिंस के निराश चेहरे की तरफ देखा
और उससे पूछा, तो हॉपकिंस क्या रहा? हॉपकिंस बोला, पूरी तरह से असफलता मिस्टर होम्स। शेलॉक ने कहा, क्यों, कोई प्रगति नहीं हुई? नहीं मिस्टर होम्स। हो, तो इसका मतलब यह है कि अब यह केस भी मुझे ही देखना पड़ेगा। हॉपकिंस आशा भरी नजरों से शेलॉक होम्स की तरफ देखते हुए बोला, यही तो मैं भी चाहता हूं मिस्टर होम्स कि आप ही मेरे केस को हैंडल करें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज फॉर गॉड्स सेक मेरी मदद कीजिए। ठीक है, शेलॉक ने कहा, इस केस से संबंधित सारे सबूतों के बारे में मैं पहले ही पढ़ चुका हूं, पर वो जो तंबाकू की थैली घटनास्थल पर मिली थी उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है हॉपकिंस? क्या उससे कोई जानकारी मिली? शेलॉक की बात सुनकर हॉपकिंस कुछ हैरान नजर आया। वो बोला, वो थैली मिस्टर होम्स, वो तो उसी आदमी की थी, क्योंकि उस थैली में उस आदमी के नाम के इनिशियल्स लिखे हुए थे और वो थैली सील के चमड़े की बनी हुई थी और वो आदमी भी सील के बिजनेस से ही जुड़ा हुआ था, तो यकीनन वो थैली उसी की होगी मिस्टर होम्स। ओके, क्या उस आदमी के पास कोई पाइप था? अब नहीं मिस्टर होम्स, पाइप तो हमें नहीं मिला। असल में मिस्टर होम्स, वो आदमी बहुत स्मोकिंग करता था, हो सकता है कि वो तंबाकू उसने अपने दोस्तों के लिए रखा हो। इसके जवाब में शेलॉक ने हॉपकिंस से कहा, देखो हॉपकिंस, मैंने इस बारे में सिर्फ इसलिए पूछा है क्योंकि अगर मैं इस केस की जांच कर रहा होता तो मैंने इसी पॉइंट से अपनी जांच शुरू की होती। वैसे हॉपकिंस, मेरा दोस्त वॉटसन इस बारे में कुछ नहीं जानता और मैं भी एक बार फिर से सारी घटनाओं को सुनना चाहूंगा, तो तुम संक्षेप में हमें सारी जरूरी बातें फिर से बताओ। उसके बाद हॉपकिंस ने अपनी जेब से कागज की एक पर्ची निकाली और बोलना शुरू किया, मिस्टर होम्स, इस पर्चे में कुछ तारीखें लिखी हैं जिनसे आपको मरने वाले कैप्टन पीटर कैरी के बारे में पता चलेगा। वो सन 1845 में पैदा हुआ था, 45 साल का था। वो सील और वेल पकड़ने वाला एक साहसी नाविक था। 1883 में उसने डुंडी के जलयान दी यूनिकॉर्न को डायरेक्ट किया था। बाद में उसने बहुत सारी सफल यात्राएं की और अगले साल 1884 में वो रिटायर हो गया था। फिर उसने वुडमैन ली नाम की एक छोटी सी जगह खरीद ली जो सस्सेक्स में फॉरेस्ट रो नाम के गांव के करीब थी। वहां वो 6 साल तक रहा और वहीं पर आज से एक हफ्ता पहले मारा गया। इस आदमी के बारे में कुछ बातें बेहद ही खास थी मिस्टर होम्स। साधारण जीवन में वो मौन रहने वाला एक उदास आदमी था। उसके घर में उसकी पत्नी, 20 साल की एक बेटी और 2 नौकरानियां थी। नौकरानियां बदलती रहती थी मिस्टर होम्स, क्योंकि वो आदमी बहुत शराब पीता था और शराब पीने के बाद उसके ऊपर एक दौरा सा पड़ जाता था। वो अपनी पत्नी और बेटी को आधी रात में घर से बाहर निकाल देता था और उन्हें तब तक पार्क में ले जाकर कोड़े मारता जब तक उनकी चीखों को सुनकर पूरा गांव नहीं जाग जाता। एक बार एक आदमी के ऊपर हमला करने का भी उस पे आरोप लग चुका है मिस्टर होम्स। अगर संक्षेप में कहूं मिस्टर होम्स, तो आपको पीटर कैरी जैसा खतरनाक आदमी आज तक नहीं मिला होगा। और मैंने सुना है कि जब वो जहाज पर रहता था तब भी उसका व्यवहार कुछ ऐसा ही रहता था। अपने धंधे में उसे ब्लैक पीटर नाम से जाना जाता था और ये नाम उसे उसके रंग रूप या उसकी लंबी दाढ़ी की वजह से नहीं मिला था, बल्कि ये नाम उसे उसके बुरे व्यवहार की वजह से मिला था। इसके आसपास के लोग इससे डर कर रहते थे। इसके पड़ोसी तो इससे नफरत किया करते थे और कोशिश करते थे कि वो इसके मुंह ना लगे। इस आदमी के मरने पर मैंने किसी को भी दुखी होते हुए नहीं सुना मिस्टर होम्स। वैसे आपने मृतक के केबिन की तलाशी के बारे में तो पढ़ा ही होगा मिस्टर होम्स, लेकिन आपके दोस्त डॉक्टर वॉटसन ने इस बारे में नहीं सुना होगा। उसने अपने लिए लकड़ी का एक खास कमरा बनाया हुआ था। वो हमेशा इसे केबिन कहा करता था। ये उसके घर से कुछ गज की दूरी पर स्थित था। हर रात वो वहीं सोया करता था। ये केबिन असल में एक कमरे की छोटी सी झोपड़ी है जिसकी चाबियां वो अपने जेब में ही रखता था। वो अपना बिस्तर खुद ही लगाता था और खुद ही वहां की साफ सफाई करता था। उसने किसी को भी उसके अंदर जाने की इजाजत नहीं दी थी। उस केबिन के दोनों तरफ छोटी खिड़कियां हैं जो हमेशा बंद रहती थी और उनके ऊपर पर्दे पड़े रहते थे। इनमें से एक खिड़की बाहर मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। जिनमें कभी रात को रोशनी दिखाई देती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते हुए हैरानी प्रकट किया करते थे कि ब्लैक पीटर अंदर क्या कर रहा था। जांच के दौरान उसी खिड़की से हमें कुछ सबूत भी मिले थे। आपको याद होगा मिस्टर होम्स
कि स्लेटर नाम का एक पत्थर की मूर्तियां बनाने वाला आदमी उस आदमी की हत्या से 2 दिन पहले रात को 1 बजे फॉरेस्ट रो से लौट रहा था। पेड़ों के बीच में से खिड़की से बाहर आती रोशनी को देखकर वो वहां रुक गया। उसने कसम खाके बताया कि खिड़की के अंदर एक आदमी की छाया को उसने हिलता हुआ देखा था। निश्चित तौर पर वो आदमी पीटर कैरी नहीं था मिस्टर होम्स। पीटर को तो वो अच्छी तरह से जानता है। ये कोई दाढ़ी वाला आदमी था, लेकिन वो पीटर की जैसी लंबी दाढ़ी नहीं थी, बल्कि दूसरी तरह की दाढ़ी थी, वो ऐसा कहता है। लेकिन मिस्टर होम्स, सड़क से खिड़की काफी दूर थी और ऊपर से वो इसे सोमवार की घटना बताता है, जबकि अपराध बुधवार को हुआ था। मंगलवार को पीटर कैरी जिंदा था और बहुत ही बुरी मनोदशा में था, और शराब पीने के बाद तो वो बिल्कुल ही जंगली हो गया था। वो शराब के नशे में घर के बाहर घूम रहा था। उसे बाहर घूमता पाकर घर की औरतें घर के अंदर घुस गई और देर शाम को वो अपने केबिन में चला गया। उसी रात को 2 बजे, जिसको हम बुधवार की सुबह भी बोल सकते हैं, तभी उसने केबिन की तरफ से आती हुई एक भयानक चीख सुनी। अब पीने के बाद पीटर अक्सर यूं ही चीखा चिल्लाया करता था, इसलिए उन लोगों के लिए ये कोई असाधारण बात नहीं थी। किसी ने उस चीख के ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसकी बेटी वापस सो गई। सुबह 7 बजे उठने पर एक नौकरानी ने देखा कि केबिन का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन सब लोग पीटर से इतना डरते थे कि दोपहर तक ही कोई ये मुश्किल से देखने की हिम्मत कर पाया कि उसे क्या हुआ था। उस केबिन के दरवाजे से अंदर झांकने पर उन सभी के चेहरे सफेद पड़ गए और पूरे गांव में बात फैल गई, और उसके 1 घंटे के भीतर ही मैं वहां पहुंच गया था और फिर मैंने ये केस अपने हाथ में ले लिया था मिस्टर होम्स। अब आप तो जानते ही हैं कि मैं बहुत पक्के दिल वाला आदमी हूं, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं मिस्टर होम्स कि जैसे ही मैं उस झोपड़ी में घुसा, वहां का दृश्य देखकर तो मैं भी बुरी तरह से हिल गया था। मक्खियां और कीट पतंगे बुरी तरह से वहां मंडरा रही थी। उस झोपड़ी की फर्श और दीवारें एकदम कसाई खाने के समान लग रही थी। पीटर इस कमरे को केबिन कहा करता था और ये वाकई केबिन जैसा ही था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो जैसे वो किसी शिप का केबिन हो। एक कैप्टन के केबिन जैसा ही तामझाम वहां रखा गया था। वहां मैप्स लगे हुए थे और सी यूनिकॉर्न का एक चित्र भी टंगा हुआ था। उसके बीच में वो आदमी खुद था। उसका चेहरा ऐंठा हुआ था और उसके सीने में एक भाला धंसा हुआ था, जिस भाले की नोक पीछे लकड़ी की दीवार में घुसी हुई थी। उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी पिन से किसी कीड़े की लाश को एक कागज के ऊपर टांग दिया गया हो। वो बेहद ही भयानक दृश्य था मिस्टर होम्स। ब्लैक पीटर मर चुका था और तभी से वहां टंगा हुआ था जब रात में लोगों को उसकी चीख सुनाई दी थी। मैं आपके काम करने के तौर तरीकों को जानता हूं मिस्टर होम्स, और इसीलिए मैंने उन्हीं का इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैंने किसी भी चीज को वहां से हटाए जाने से पहले बाहरी जमीन का बहुत बारीकी से निरीक्षण किया, और इसी तरह मैंने कमरे के अंदर के फर्श की भी जांच की। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है मिस्टर होम्स कि मुझे वहां पर कोई निशान नहीं मिले। हॉपकिंस की बात को सुनकर शेरलॉक लगभग हंसता हुआ बोला, माय डियर हॉपकिंस, मैंने कई अपराधों की जांच की है और मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी उड़ने वाले प्राणी ने कोई अपराध किया हो। जब तक अपराधी अपने 2 पांवों पर होता है, वो अपने पीछे कोई ना कोई छोटी से छोटी छाप जरूर छोड़ जाता है, और वो छोटे से छोटा निशान एक वैज्ञानिक खोजी ही ढूंढ सकता है। ये बात बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है कि उस खून से भरे हुए कमरे में हमारी मदद कर सकने वाला कोई निशान नहीं था। मुझे लगता है हॉपकिंस कि वो सारी चीजें तुम्हारे देखने से छूट गई हैं। होम्स की वो सारी बातें सुनकर हॉपकिंस ने अपनी पलकें झपकाई और बोलना शुरू किया, हाँ मिस्टर होम्स, मैंने उसी वक्त आपको ना बुलाकर बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे मिस्टर होम्स, ध्यान देने लायक कुछ और भी चीजें कमरे में थी। एक तो वही भाला था जिससे हत्या हुई थी। इस भाले को दीवार में टंगे 3 भालों में से खींचा गया था। बाकी 2 भाले अभी भी वहां पर लगे हुए हैं और तीसरे की जगह दीवार पर खाली है। वो तीसरा भाला ब्लैक पीटर की छाती पर धंसा हुआ था। उस भाले के मूठ के ऊपर सी यूनिकॉर्न डुंडी लिखा हुआ था। देखने से तो ऐसा लग रहा था मिस्टर होम्स कि यह हत्या गुस्से में की गई थी, और हत्यारे की पहुंच में जो सबसे पहला हथियार था उसने उसी को थाम लिया।
ये भी सच है कि रात को 2 बजे जब ये हत्या हुई तब पीटर कैरी पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ था। इससे तो यही साबित होता है कि उस हत्यारे से उसकी मुलाकात होनी पहले से तय थी। मुलाकात की बात इससे भी साबित होती है कि मेज पर एक रम की बोतल और 2 गंदे से गिलास रखे हुए थे। तभी होम्स बीच में बोल पड़ा और उसने हॉपकिंस से सवाल पूछा। वो तो ठीक है, पर क्या रम के अलावा भी उस कमरे में कोई दूसरी बोतल थी? हॉपकिंस ने जवाब दिया, जी हाँ मिस्टर होम्स, ब्रैंडी और विस्की भी थी। पर मिस्टर होम्स ये बात हमारे काम की नहीं थी क्योंकि वो दोनों बोतलें ऊपर तक भरी हुई थी, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ था। हॉपकिंस की बात सुनकर शेरलॉक तपाक से बोल पड़ा, देखो हॉपकिंस, चाहे इस्तेमाल किया हो या ना किया हो, लेकिन उन दोनों बोतलों का वहां होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलो आगे बताओ। हॉपकिंस ने बोलना शुरू किया, मिस्टर होम्स, मेज पर तंबाकू की ये थैली पड़ी हुई थी। शेरलॉक ने पूछा, अब मेज पर किस जगह थी ये बताओ। अब मिस्टर होम्स, ये उस मेज के बीचों बीच थी। ये सील की खुरदुरी चमड़ी की बनी हुई है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो सील के खड़े बाल दिख रहे हैं और चमड़े की डोरी से ही इसे बांधा जाता है। अगर आप इस थैले के अंदरूनी भाग में देखेंगे तो इसमें PC लिखा हुआ है। और मिस्टर होम्स, इस थैले के अंदर 0.5 औंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग तंबाकू भरा गया था। होम्स ने खुश होते हुए कहा, बहुत बढ़िया हॉपकिंस, और क्या मिला तुम्हें? स्टैनली हॉपकिंस ने अपनी जेब से एक नोटबुक निकाली। ये नोटबुक बाहर से फटी हुई और भद्दी दिखाई दे रही थी। उस नोटबुक के कागजों का रंग उड़ा हुआ था। पहले पेज पर JHN 1883 लिखा हुआ था। होम्स ने हॉपकिंस के हाथ से वो पुरानी सी डायरी ली और उसे मेज पर रखकर उसकी बारीकी से जांच करने लगा। अब हॉपकिंस और मैं भी शेरलॉक के पीछे खड़े होकर उस किताब में झांकने लगे। उसके दूसरे पेज पर CPR छपा हुआ था और उसके बाद कई संख्याएं लिखी हुई थी। उसमें एक शीर्षक था, अर्जेंटाइन, कोस्टरिका और फिर सैन पाउलो। इन शीर्षक वाले पन्नों पर कुछ चिन्ह बने हुए थे और कुछ संख्याएं लिखी हुई थी। शेरलॉक ने वो चिन्ह और संख्याएं हॉपकिंस को दिखाते हुए पूछा, तो हॉपकिंस, इन सभी चीजों से तुम्हें क्या समझ में आया? हॉपकिंस ने कहा, ऐसा लगता है मिस्टर होम्स कि ये कोई सिक्योरिटीज हैं। मुझे ऐसा लगा कि JHN किसी दलाल के इनिशियल्स होंगे और CPR उसका कोई क्लाइंट होगा। शेरलॉक ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा कैनेडियन पैसिफिक रेलवे सोच के देखो हॉपकिंस। शेरलॉक की ये बात सुनकर स्टैनली हॉपकिंस ने अपने दांत भींचे और अपने जांघों पर घूंसा मारते हुए बोला, ओफो, मैं कितना बेवकूफ हूं। आपने एकदम सही कहा मिस्टर होम्स, CPR का यही मतलब हो सकता है। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? लेकिन मिस्टर होम्स, अभी भी JHN इनिशियल्स खोजने को रह जाते हैं। मैं स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में सभी दलालों के नाम को चेक कर चुका हूं। मैंने 1883 की लिस्ट में भी सभी दलालों के नाम चेक किए, मगर किसी के नाम के इनिशियल्स ये नहीं थे। फिर भी मुझे लगता है मिस्टर होम्स कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण सबूत है। आप इस संभावना से तो इनकार नहीं कर सकते मिस्टर होम्स कि ये हत्यारे के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। और ये देखिए, इन पन्नों पर जो संख्याएं लिखी हुई हैं, ये जमानत की रकम हो सकती हैं, जो हत्या के उद्देश्य की ओर इशारा करती हैं। हॉपकिंस की ये बात सुनकर शेरलॉक होम्स बहुत ही हैरान नजर आया। वो बोला, हाँ हॉपकिंस, मैं तुम्हारी इस बात का समर्थन करता हूं। अच्छा, इन जमानत की रकमों का तुम्हें और कुछ पता चला? जी मिस्टर होम्स, अभी इस पर ऑफिस में जांच चल रही है, लेकिन साउथ अमेरिका के स्टॉक होल्डर्स का ब्यौरा मंगाने में अब हफ्ता भर तो लग ही जाएगा मिस्टर होम्स। अब शेरलॉक होम्स अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास से उस पुरानी सी नोटबुक के जिल्द का निरीक्षण करने लगा और फिर बोला, इस जिल्द में कहीं कहीं पर धब्बे पड़े हुए हैं। हॉपकिंस बोला, जी मिस्टर होम्स, ये खून के धब्बे हैं। मैंने इस नोटबुक को फर्श में से उठाया था। शेरलॉक होम्स ने हॉपकिंस से पूछा, अच्छा, खून के धब्बे ऊपर थे या नीचे थे? मिस्टर होम्स, ये नोटबुक दीवार के बगल में गिरी हुई थी। शेरलॉक होम्स ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इससे ये सिद्ध होता है कि ये किताब अपराध होने के बाद नीचे गिरी थी। अब जी हाँ मिस्टर होम्स, मैं तो ये कहूंगा कि ये हड़बड़ाहट में उस हत्यारे के हाथ से नीचे गिर गई थी।
ये हमें दरवाजे के पास दीवार से सटी हुई मिली। शैलॉक ने आगे पूछा, अच्छा ये बताओ हॉपकिंस की वहां कोई लूटपाट हुई थी? जी नहीं मिस्टर होम्स, वहां किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया गया था। शैलॉक ने आगे पूछा, अच्छा हॉपकिंस मेरे ख्याल से वहां एक चाकू भी मिला था। जी हाँ मिस्टर होम्स, वहां एक म्यान वाला चाकू मिला था जो अभी भी म्यान में ही है, और मिस्टर होम्स ये चाकू मृतक के पैरों के पास पड़ा हुआ था। पूछताछ में मिसेस कैरी ने बताया कि यह उनके पति का ही चाकू है। शैलॉक होम्स कुछ देर खामोशी से बैठा रहा और कुछ सोचता रहा, उसके बाद वो बोला, ठीक है हॉपकिंस, मैं एक बार वहां खुद आकर देखना चाहूंगा। शैलॉक की वो बात सुनकर स्टैनली हॉपकिंस बहुत खुश हुआ और बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर होम्स, मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। शैलॉक ने उससे कहा, हाँ वैसे तो हॉपकिंस एक हफ्ता पहले तुमने बताया होता तो ये काम ज्यादा आसान होता, लेकिन यकीन मानो अब भी मेरा वहां जाना बेकार नहीं जाएगा। उसके बाद शैलॉक ने मेरी तरफ देखकर कहा, और वॉटसन अगर तुम भी थोड़ा समय निकालकर अभी मेरे साथ वहां चल सको तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और हॉपकिंस तुम एक घोड़ा गाड़ी का इंतजाम करो, तब तक हम दोनों फॉरेस्ट रो चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। फॉरेस्ट रो के छोटे से स्टेशन में उतरने के बाद हम जंगल के बीच कुछ दूर तक आगे बढ़ते रहे। ये उस जंगल के अवशेष थे जिसने लंबे समय तक सेक्शन आक्रमणकारियों से उस जगह को सुरक्षा प्रदान की थी। जंगल का काफी बड़ा हिस्सा अब साफ हो चुका था। पहाड़ी की ढलान पर पीटर कैरी का निचली छत वाला पत्थरों का मकान बना हुआ था। वहां तक जाने के लिए हमें खेतों के बीच बने पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ा। तभी हमें सड़क किनारे तीन तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ वो केबिन दिखाई दिया जिसमें गैरी पीटर रहता था। उस केबिन का दरवाजा और एक खिड़की हमारी ही दिशा में थी सड़क की ओर, और इसी केबिन के अंदर उसकी हत्या हुई थी। स्टैनली हॉपकिंस पहले हमें उसके घर पर ले गया जहां उसने हमारा परिचय मृतक की विधवा से कराया जो सफेद बालों वाली एक औरत थी। उस औरत के चेहरे की रेखाएं उसका डर और उसके वर्षों का टॉर्चर बयां कर रही थी। उसके साथ एक पीले बालों वाली लड़की थी जो उसकी बेटी थी। हमें ये बताते हुए उसकी आंखें चमक रही थी कि वो अपने पिता की मौत से कितना खुश है, और वो अपने पिता को मारने वाले को धन्यवाद कर रही थी। उस घर से बाहर निकलने के बाद शैलॉक और मैंने चैन की सांस ली। उसके बाद हम घटनास्थल पर पहुंचे, वहां उस केबिन में जहां पीटर की हत्या हुई थी। ये एक साधारण सा केबिन था जिसकी दीवारें लकड़ी की थी। हॉपकिंस ने अपनी जेब से उसके दरवाजे की चाबी निकाली और ताले को खोलने लगा। फिर अगले ही पल वो अचानक से रुक गया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव नजर आने लगे। भौंहें सिकोड़ता हुआ हॉपकिंस बोला, लगता है किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है मिस्टर होम्स। और ये बात एकदम सही थी क्योंकि उस केबिन की लकड़ी कटी हुई थी और उसका रंग उखड़ा हुआ था। तब तक होम्स खिड़की का निरीक्षण कर रहा था और वो भी बोला, सही कहा हॉपकिंस, किसी ने इस खिड़की को भी खोलने की कोशिश की थी, वो जो कोई भी था अंदर घुसने में नाकामयाब रहा। इंस्पेक्टर हॉपकिंस बोला, ये तो बड़ी ही अजीब बात है मिस्टर होम्स, मैं कसम खा के कहता हूं कि कल शाम तक ये निशान यहां पर नहीं थे। लेकिन तभी मुझे लगा कि मुझे भी अपनी राय देनी चाहिए। मैंने बीच में कहा, आप मुझे लगता है कि गांव के किसी आदमी ने यह काम किया होगा। मेरी बात के जवाब में हॉपकिंस ने कहा, नहीं हो सकता डॉक्टर वॉटसन, क्योंकि यहां पैर रखने की किसी में हिम्मत नहीं है, शायद ही कोई इस केबिन में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मिस्टर होम्स? शैलॉक ने कहा, मेरा यह ख्याल है कि किस्मत हमारे साथ है हॉपकिंस। हॉपकिंस ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब मिस्टर होम्स? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वो व्यक्ति दोबारा यहां आएगा? हाँ बिल्कुल, शैलॉक ने कहा, इसकी संभावना काफी ज्यादा है। वो दरवाजा खुला मिलने की उम्मीद से यहां आया होगा। उसने एक छोटे चाकू की सहायता से ये उम्मीद की होगी कि इस खिड़की को खोलकर वो अंदर चला जाएगा, लेकिन वो नाकामयाब रहा। हॉपकिंस ने पूछा, तो मिस्टर होम्स अब वो क्या करेगा? शैलॉक बोला, मेरे ख्याल से अब वो कुछ ज्यादा उपयोगी औजार के साथ अगली रात को यहां फिर आएगा, और उस वक्त उसके स्वागत के लिए हम यहां पर तैनात खड़े होंगे, और तब तक मैं एक बार केबिन के अंदर जाकर देख लेता हूं। उसके बाद हॉपकिंस ने दरवाजा खोला और हम तीनों उस केबिन के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही हमने देखा कि फर्नीचर वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था जैसा हत्या वाली रात को पड़ा था।
शेलक होम्स ने 2 घंटे तक हर एक चीज की बड़ी ही गहरी जांच की। उसके चेहरे के भावों को देखकर पता चल रहा था कि उसे सफलता नहीं मिल रही थी। तभी अपनी धैर्यपूर्ण जांच के बीच रुककर उसने हॉपकिंस से पूछा, हॉपकिंस, क्या तुमने इस शेल्फ में से कुछ हटाया था? हॉपकिंस ने जवाब दिया, नहीं तो मिस्टर होम्स, मैंने तो कुछ नहीं हटाया। हॉपकिंस, मुझे पूरा यकीन है कि इस शेल्फ में से कुछ हटाया गया है। यहां देखो, इस शेल्फ में इस कोने पर बाकी शेल्फ के मुकाबले कम धूल गिरी हुई है। यहां इस जगह पर या तो कोई किताब रखी होगी या फिर कोई बॉक्स हो सकता है। फिर एक गहरी सांस छोड़कर शेलॉक ने हॉपकिंस से कहा, वैसे इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं पता कर पा रहा हॉपकिंस। फिर शेलॉक ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, तो वॉटसन, अब हमें बाहर उस खूबसूरत जंगल में चलना चाहिए और कुछ देर चिड़ियों और फूलों को देखना चाहिए। इससे थोड़ा हमारा दिमाग शांत होगा और काम करने में मदद मिलेगी। उसके बाद शेलॉक ने हॉपकिंस से कहा, अच्छा हॉपकिंस, हम अब कुछ देर बाद तुमसे मिलेंगे। 11:30 बजे के बाद हमें अपनी योजना पर काम करना था, हॉपकिंस ने शेलॉक से कहा। मिस्टर होम्स, इस बीच हम केबिन का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। लेकिन होम्स ने इसके बदले कहा, नहीं हॉपकिंस, ऐसा करने से उस आदमी को शक हो जाएगा। ये ताला वैसे भी एक मामूली ताला है और किसी भी औजार से आसानी से टूट जाएगा। होम्स ने यह भी कहा कि हमें उस झोपड़ी के अंदर इंतजार करने से अच्छा उस झोपड़ी की दूसरी खिड़की के पास उगी हुई झाड़ियों में बाहर खड़े रहकर इंतजार करना चाहिए। इससे यह होता कि अगर वो आदमी लाइट जलाता तो हम उसे पहचान लेते और रात में उसके वहां आने का उद्देश्य भी जान जाते। ये एक लंबी और उदासीन प्रतीक्षा थी, लेकिन फिर भी ये अपने साथ ऐसा रोमांच लेकर आई जैसा तालाब के किनारे बैठे शिकारी को उस समय अनुभव होता है जब वो प्यासे जानवरों के पहुंचने का इंतजार कर रहा होता है। पूरी तरह से चुप्पी साधे हम तीनों झाड़ियों में चुपचाप बैठे रहे और किसी भी पल उस आदमी के पहुंचने का इंतजार करते रहे। कुछ देर तक तो रात को देर से लौटने वाले गांव वालों की और गांव से आती कुछ आवाजों ने हमारा ध्यान उलझाए रखा और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से शांति छा गई। अब सिर्फ दूर से आती कुछ चर्च की घंटियों की आवाज ही सुनाई दे रही थी और फिर धीरे धीरे बरसात की हल्की फुहार भी गिरनी शुरू हो गई थी। और फिर जब रात के 2:30 बजे का घंटा बजा तब हमें एक झटका सा लगा। हमें उस केबिन के दरवाजे की तरफ से एक खट की आवाज सुनाई दी। कोई उस दरवाजे से उस केबिन के अंदर दाखिल हो रहा था और उसके बाद एक लंबी खामोशी छा गई और मुझे लगा कि शायद हमें कोई धोखा हुआ था। तभी हमें केबिन के दूसरी तरफ से एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर धातु के खनकने की आवाज। वो आदमी ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। इस बार वो कुछ ज्यादा ही कुशलता से काम कर रहा था या फिर उसके पास कुछ बढ़िया औजार थे, क्योंकि अचानक ही हमें दरवाजा खोलने की आवाज भी सुनाई पड़ी। उसके बाद माचिस जलाई गई और अगले ही पल केबिन में मोमबत्ती की रोशनी फैल गई। हमारी आंखें दरवाजे पर लटके जाली के पर्दे के पार देखने की कोशिश कर रही थी। ये जो व्यक्ति कमरे के अंदर मौजूद था वो एक दुबला पतला व्यक्ति था। उसके चेहरे पर काली दाढ़ी थी। वो उम्र में मुश्किल से 20 साल का रहा होगा। मैंने आज तक इतना डरा हुआ आदमी नहीं देखा था। उसके दांत किटकिटा रहे थे और उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। उसने अच्छे कुलीन लोगों जैसे कपड़े पहने थे। सर पर उसने एक हैट पहना हुआ था। हमने देखा कि वो इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। फिर उसने मोमबत्ती को मेज पर टिका दिया और हमारे सामने वाले कोने से ओझल हो गया। कुछ पल बाद वो एक बड़ी किताब लेकर वापस पहुंचा। ये किताब शेल्फ में रखी हुई किताबों में से एक थी। उसने उस किताब को मेज पर रखा और मोमबत्ती की रोशनी में देखते हुए उसके पन्नों को जल्दी जल्दी पलटने लगा। अंत में उसके भावों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जो वो खोज रहा था वो उसे मिल गया। फिर अचानक से उसके चेहरे पर गुस्से के भाव उभरने लगे। उसने मुट्ठियां बांधते हुए एक झटके में उस किताब को बंद कर दिया और इस किताब को कोने में रखकर मोमबत्ती में फूंक मारकर उसे बुझा दिया। वो जैसे ही उस केबिन से निकलने को मुड़ा ही था कि तभी हॉपकिंस ने उसका कॉलर पकड़ लिया। वो डरकर जोर से चिल्लाया और फिर असहाय भाव से हमारी ओर देखने लगा। केबिन के अंदर मोमबत्ती फिर से जला दी गई और फिर हॉपकिंस ने उससे सवाल किया,
तो अब बताओ कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? वो व्यक्ति बोला, क्या आप लोग जासूस हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरा पीटर कैरी की मौत से कोई संबंध है? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं एकदम निर्दोष हूँ। इंस्पेक्टर हॉपकिंस सख्ती से बोला, तुम निर्दोष हो या दोषी यह देखना हमारा काम है, पहले तुम अपना नाम बताओ। जॉन हॉपले नेलिगन, उस व्यक्ति ने कहा। हॉपकिंस ने फिर पूछा, यहां किस लिए आए थे? उस व्यक्ति ने कहा, ये बात मैं आपको क्यों बताऊं? हॉपकिंस बोला, क्योंकि अगर तुम नहीं बताओगे मिस्टर नेलिगन तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वो व्यक्ति घबराते हुए बोला, अच्छा ठीक है बता देता हूं। क्या आपने कभी डॉसन और एलिगन के बारे में सुना है? हॉपकिंस के चेहरे से साफ जाहिर था कि उसने पहले ये नाम नहीं सुने थे, लेकिन शेलॉक के चेहरे में उत्सुकता दिखाई दी। शेलॉक बोला, अच्छा तुम्हारा मतलब है कि वो पश्चिमी देशीय बैंकर्स? उनका तो लाखों रुपया डूब गया था और उन्होंने कॉर्नवॉल के आधे घरों को बर्बाद कर दिया था, और उसके बाद नेलिगन गायब हो गया था। वो व्यक्ति बोला, जी हाँ डिटेक्टिव, वही नेलिगन मेरे पिता थे। आखिरकार हमें कुछ कुछ तो समझ में आ रहा था, लेकिन फिर एक दिवालिया बैंकर और कैप्टन कैरी पीटर के दीवार में टंगे जाने के बीच का संबंध हमारी समझ से परे था। हम तीनों उस युवक की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उसने बोलना जारी रखा, दरअसल इससे संबंधित थे। डॉसन रिटायर हो चुका था और उस समय मैं सिर्फ 10 साल का था, लेकिन मैं इसके डर और शर्म को समझ सकता था। सब लोग हमेशा यही कहते थे कि मेरे पिता ने सारी जमानत की रकम हड़प ली थी और शहर छोड़कर भाग गए थे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वो मानते थे कि अगर उन्हें थोड़ा समय दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा और वो सबका पैसा लौटा देंगे। उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकलने से ठीक पहले ही वो एक नाव में नॉर्वे के लिए रवाना हो गए थे। मुझे वो आखिरी याद बहुत अच्छे से याद है, जब वो मेरी माँ से विदा ले रहे थे। वो अपने साथ जो जो सिक्योरिटीज ले जा रहे थे उनकी लिस्ट उन्होंने हमको दी थी। वो वचन देकर गए थे कि वो पूरे सम्मान के साथ वापस लौट कर आएंगे और जिन लोगों ने भी उन पर भरोसा किया था वो उनका नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन उनके बारे में फिर कुछ पता नहीं चल सका। अपनी नाव समेत वो बिल्कुल ही गायब हो गए। मेरा और मेरी माँ का विश्वास था कि वो नाव और सारी सिक्योरिटीज के साथ उस समुद्र में डूब गए थे। हमारा एक व्यापारी मित्र है और उसी को पता लगा था कि कुछ सिक्योरिटीज के साथ मेरे पिता लंदन के बाजार के बीच फिर से देखे गए थे। आप लोग हमारी हैरानी का अंदाजा लगा सकते हैं, और बड़ी मुश्किल से मुझे पता चला कि उन सिक्योरिटीज को बेचने वाला आदमी असल में कैप्टन पीटर कैरी था। मैंने इस आदमी के बारे में पूछताछ की, तब मुझे पता चला कि वो आर्कटिक सागर से लौट रहे मछली पकड़ने वाले एक जहाज पर उसी समय के दौरान मौजूद था जब मेरे पिता नॉर्वे जाने के लिए समुद्र में थे। उस समय समुद्र में तूफान आया था और मेरे पिता की नाव शायद उत्तर की तरफ बह गई थी और कैप्टन पीटर कैरी के जहाज तक पहुंच गई थी। अगर ऐसा था तो मेरे पिता का क्या हुआ था? अगर पीटर कैरी के माध्यम से किसी तरह मैं ये सिद्ध कर देता कि वो सिक्योरिटीज बाजार में कैसे पहुंची थी, तो ये प्रमाणित हो जाता कि मेरे पिता ने उनको नहीं बेचा था, और जब वो सिक्योरिटीज को अपने साथ लेकर गए थे तो उनका उन सिक्योरिटीज से अपना खुद का फायदा उठाने का कोई विचार नहीं था। मैं तो कैप्टन से मिलने ससेक्स आया, मगर उसी वक्त उनकी हत्या हो गई। मैंने उनके केबिन की तलाशी के बारे में पढ़ा, जिसमें लिखा था कि उनके जहाज में रखी जाने वाली सारी किताबें अभी भी उनके केबिन में मौजूद थी, और ये जानकर मुझे झटका लगा और मैंने सोचा कि सी यूनिकॉर्न जहाज के अगस्त 1883 के ब्योरे से अगर कुछ पता चल जाए तो शायद ये रहस्य खुल सकता है कि मेरे पिता का क्या हुआ। मैंने कल रात को यहाँ घुसने की कोशिश की थी, लेकिन दरवाजे को खोल नहीं पाया, और आज रात मैंने फिर से कोशिश की और मैं सफल हो गया, लेकिन मैंने देखा कि उस महीने के पन्नों को किताब में से फाड़ लिया गया है, और बस उसी वक्त आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तुम्हारे पास कहने के लिए बस यही कुछ है? हॉपकिंस ने पूछा। जी हाँ सर, मैंने आपको सारी बातें बता दी है। एक बार फिर से दिमाग में जोर डालकर सोच लो, क्या तुम्हारे पास हमें बताने के लिए और कुछ नहीं?
हॉपकिंस ने जोर देते हुए पूछा। जी नहीं सर, और कुछ नहीं है। सच बताओ, कल रात से पहले तुम यहाँ कभी नहीं आए? जी नहीं सर, मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया। तो तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? हॉपकिंस ने JHN इनिशियल्स वाली खून के धब्बे लगी वो नोटबुक हवा में लहराते हुए चिल्लाकर कहा। वो अभागा आदमी अब बुरी तरह से टूट गया। उसने अपने कांपते हुए हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। उसके बाद वो बोला, ये आपको कहां से मिली? मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा ये होटल में कहीं खो गई है। उसकी बात सुनकर हॉपकिंस ने कठोर लहजे में कहा, बस अब अपना ड्रामा खत्म करो। अब तुम्हें जो भी कहना है वो कोर्ट में जाकर कहना। अब तुम मेरे साथ थाने चलोगे। इतना कहकर इंस्पेक्टर हॉपकिंस शेरलॉक की तरफ घूमा और बोला, अच्छा मिस्टर होम्स, मैं आपका और आपके दोस्त डॉक्टर वॉटसन का भी आभारी हूं कि आप मेरी सहायता के लिए यहां तक आए। वैसे आपका यहां आना उतना भी जरूरी नहीं था, मैं खुद भी इस केस को हल कर ही लेता। खैर, फिर भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रमलेट होटल में आप दोनों के लिए कमरे रिजर्व्ड हैं, इसलिए हम सभी साथ में गांव चलते हैं। अगली सुबह जब हम वापस लौट रहे थे तो होम्स ने पूछा, अच्छा वॉटसन, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा, मैं साफ साफ देख सकता हूं होम्स कि तुम इस जांच से संतुष्ट नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माय डियर वॉटसन, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। पर मुझे इंस्पेक्टर हॉपकिंस के काम करने का तरीका पसंद नहीं आता। मुझे उम्मीद थी कि वो कुछ बढ़िया करेगा। हमेशा एक ऑप्शन साथ में लेकर चलना चाहिए। अपराध की जांच करने का ये पहला नियम है। मैंने हैरानी से शेरलॉक की तरफ देखा और पूछा, और इस केस में वो ऑप्शन क्या है शेरलॉक? वो ऑप्शन वो है वॉटसन जिस पर मैं काम कर रहा हूं। इससे हमें कुछ मिले या ना मिले ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अंत तक इस दिशा में काम करता रहूंगा। बेकर स्ट्रीट में शेरलॉक होम्स के मकान में उसके लिए कई चिट्ठियां इंतजार कर रही थी। उनमें से एक चिट्ठी को शेरलॉक ने उठाया और उस चिट्ठी को खोलकर शेरलॉक जोर से हंस पड़ा। ये तो बहुत बढ़िया हुआ वॉटसन, हमारा ऑप्शन तैयार है। क्या तुम्हारे पास टेलीग्राम के कोई आवेदन है? जरा मेरी तरफ से एक संदेश लिखना। सोमनर शिपिंग एजेंट, रेडक्लिफ हाईवे, कल सुबह 10 बजे 3 आदमी भेजो, बेसिल। अब एक दूसरा संदेश लिखो वॉटसन। इंस्पेक्टर स्टैनली हॉपकिंस, 46 लॉर्ड स्ट्रीट, ब्रिक्सटन, कल सुबह 9:30 बजे नाश्ते पर आओ, महत्वपूर्ण बात है, न आ सको तो तार करना, शेरलॉक होम्स। इस केस में मैं 10 दिनों से लगा हुआ था वॉटसन, और मुझे पूरा यकीन है कि कल ये केस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगली सुबह निर्धारित समय पर स्टैनली हॉपकिंस वहां हाजिर हो गया, और उसके बाद हम सभी ने मिसेज हडसन द्वारा बनाया गया बेहद ही शानदार नाश्ता किया। जासूस अपनी सफलता पर बेहद ही उत्साहित था। उसने हॉपकिंस से पूछा, हॉपकिंस, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि जो तुमने नतीजा निकाला वो वाकई में सही है? हाँ, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, वो नतीजा एकदम सही है मिस्टर होम्स। उसके जवाब में शेरलॉक ने बोला, हॉपकिंस, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारा जो स्पष्टीकरण है वो हर एक पॉइंट के बारे में नहीं बताता। हॉपकिंस बोला, वो बताता है मिस्टर होम्स। देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि क्या हुआ होगा। अपराध वाले दिन ये नेलिगन नाम का लड़का होटल ब्रेमलेट पहुंचा। ये गोल्फ खेलने का बहाना बनाकर आया था। उसका कमरा पहली मंजिल पर था और वो जब चाहे वहां से जा सकता था। उस रात वो वुडमैन ली पहुंचा, कैबिन में कैप्टन पीटर कैरी से मिला, दोनों का झगड़ा हुआ और फिर इसने पीटर को भाला उठाकर मार डाला। फिर वो कैबिन से बाहर भागा और उसी वक्त उसकी वो नोटबुक वहां गिर गई जिसमें लिखी जमानत की रकमों के बारे में वो पीटर कैरी से पूछताछ करने आया था। और ये तो आपने देखा ही होगा मिस्टर होम्स कि कुछ सिक्योरिटीज के नंबर पर निशान लगे हुए थे। ये वो सिक्योरिटीज थी जिनका पता लंदन के बाजार में लग गया था, बाकी शायद अभी भी पीटर कैरी के अधिकार में थी। और जैसा कि नेलिगन ने कहा, वो उनको वापस लेने के लिए चिंतित था। केबिन से भागने के बाद कुछ दिन तक उसने वापस वहां आने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर आखिरकार उसने खुद को वहां जाने के लिए तैयार कर ही लिया ताकि जो जो सूचनाएं वो चाहता था वो उसे मिल जाए। ये सब आईने की तरह एकदम साफ है मिस्टर होम्स। होम्स ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोला, इसमें सिर्फ एक गड़बड़ है हॉपकिंस,
और वो ये है कि ऐसा होना असंभव है। हॉपकिंस, क्या तुमने कभी किसी के शरीर में भाला मारने की कोशिश की है? हॉपकिंस ने भौंें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं। माय डियर हॉपकिंस, शेलॉक ने कहा, तुम्हें ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए। मेरे दोस्त डॉक्टर वॉटसन तुम्हें ये बताएंगे कि मैंने एक पूरी सुबह इस काम में बिताई है। किसी को भाला मारकर उसकी हत्या करना बहुत आसान काम नहीं है हॉपकिंस, इसके लिए बाजुओं में बहुत ताकत होनी चाहिए। जिस हिंसक तरीके से पीटर को हमला करके मारा गया था कि उस भाले की नोक तक दीवार के अंदर गहरे तक धस गई थी, क्या तुम कल्पना भी कर सकते हो कि ये लपूसा नेलीगन, ये मरगिल्ला लड़का इतना जोरदार हमला करने में समर्थ हो सकता था? क्या इसी लड़के के साथ ब्लैक पीटर रात में बैठकर रम पी रहा था? क्या दो रात पहले खिड़की के पीछे इसी आदमी का चेहरा दिखाई दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं हॉपकिंस, वो कोई दूसरा ही आदमी था जिसे अब हमें ढूंढना है। शेरलॉक के बोलने के साथ साथ हॉपकिंस का चेहरा और ज्यादा लटकता जा रहा था। उसकी सारी आशाएं, उसकी सारी इच्छाएं एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रही थी, लेकिन वो भी अपनी जिद इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। एक ढीठ की तरह वो बोला, आप इस बात से तो मना नहीं कर सकते ना मिस्टर होम्स कि नेलीगन उस रात वहां मौजूद था। उसकी नोटबुक से ये बात सिद्ध हो जाती है। मुझे लगता है कि ज्यूरी को संतुष्ट करने के लिए मेरे पास काफी थ्योरी है, और वैसे भी मिस्टर होम्स मैं इस आदमी को पकड़ चुका हूं। और जहां तक आपके उस खतरनाक आदमी का सवाल है, तो आप ही बता दीजिए कि वो है कहां पर। आप कहते हैं कि ऐसे किसी आदमी का अस्तित्व है, तो आप अभी तक उसे पकड़ क्यों नहीं पाए? हॉपकिंस की बात सुनकर होम्स ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, माय डियर हॉपकिंस, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी वो खतरनाक आदमी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर ही आ रहा है। और वॉटसन, तुम अपनी रिवॉल्वर एक ऐसी जगह रख लो जहां जरूरत पड़ने पर तुम उस तक आसानी से पहुंच सको। इतना कहकर शेलॉक उठा और उसने कुछ लिखा हुआ कागज बगल की मेज पर रख दिया। अब हम तैयार हैं, शेलॉक ने कहा। बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी, और तभी मिसेस हडसन ने यह कहने के लिए दरवाजा खोला कि कोई तीन आदमी कैप्टन बेसल से मिलने आए हैं। अब ठीक है मिसेस हडसन, उन्हें बारी बारी अंदर भेजिए, शेलॉक ने कहा। दरवाजे से अंदर पहले आने वाला आदमी एक खुरदुरे गालों वाला ठिकना सा व्यक्ति था। होम्स ने अपनी जेब से एक पत्र निकाला, फिर उसने उस आदमी से पूछा, अब तुम्हारा नाम क्या है मिस्टर? उस ठिकने से आदमी ने कहा, जेम्स लिंकार्टर। शेलॉक ने उससे कहा, मुझे अफसोस है लिंकार्टर, जगह भर चुकी है, तुम्हें जो तकलीफ हुई उसके लिए ये पैसे रख लो। अब तुम अंदर उस कमरे में जाओ और कुछ देर इंतजार करो। तभी कमरे में एक दूसरा आदमी आया, एक लंबा सा सूखा सा आदमी जिसके गाल अंदर को धसे हुए थे। उसका नाम हक पेंटिस था। शेलॉक ने उसे भी मना कर दिया, उसे कुछ पैसे दिए और दूसरे कमरे में इंतजार करने को कहा। अब उस दरवाजे से अंदर एक तीसरा आदमी आया। वो बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व वाला आदमी था। उसका चेहरा बुलडॉग जैसा भयानक था और उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। उसकी भवें मोटी थी जिसके नीचे उसकी निर्भीक काली आंखें चमक रही थी। उसने हमें सलाम ठोका और नाविकों की मुद्रा में अपने हाथ में हैट घुमाता हुआ खड़ा रहा। शेलॉक ने उससे सवाल करना शुरू किया, तुम्हारा नाम? पैट्रिक कैरल्स। भाला चलाना जानते हो? जी हाँ सर, मैं 26 यात्राएं कर चुका हूं, मेरे ख्याल से डुंडी पर भी। जी हाँ सर। तो अब एक खोजी जहाज में जाने के लिए तैयार हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और पैसा कितना लोगे? 8 पाउंड हर महीने। क्या तुरंत चल सकते हो? जी हाँ, बस मुझे अपना सामान लेना होगा, फिर मैं चल सकता हूँ। तुम्हारे सारे कागजात तैयार हैं? जी हाँ सर, ये देख लीजिए। फिर उसने अपनी जेब से घिसे हुए तेल से चिकने कुछ आवेदन पत्र निकाले। शेलॉक ने उनका निरीक्षण किया और फिर उसे वापस कर दिया। मुझे एकदम तुम्हारे ही जैसे आदमी की तलाश थी। वो मेज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है, अगर तुम उस पर साइन कर दो तो सारा मामला नक्की हो जाएगा। वो हट्टा कट्टा नाविक मेज तक पहुंचा और उस पर झुकता हुआ बोला, कहां पर साइन करना है? यहां पर। इतनी देर में शेलॉक होम्स लपक कर बड़ी फूर्ती से उसके पीछे जा खड़ा हुआ और उसने अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन जकड़ ली। शेलॉक की इस हरकत पर मैंने क्रोधित बैल के जैसी एक हुंकार सुनी।
और अगले ही पल शेरलॉक होम्स और वो नाविक जमीन पर उलझे पड़े थे। उस नाविक के अंदर इतनी ताकत थी कि जरा सी देर में उसने शेरलॉक के ऊपर काबू पा लिया था। मैं और हॉपकिंस उसे बचाने दौड़े। जब मैंने रिवॉल्वर की ठंडी नाल उसकी कनपट्टी से छुआ दी, तभी आखिरकार उसे समझ में आया कि विरोध करना अब बेकार था। हमने रस्सी से उसके हाथ और पैरों को कस के बांध दिया। शेरलॉक होम्स अपने कपड़े झाड़ते हुए बोला, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए हॉपकिंस, क्योंकि हमारे अंडे अब तक ठंडे हो चुके हैं, पर तुम बाकी के नाश्ते का आनंद अभी भी उठा सकते हो, क्योंकि अब तुम इस मामले की तह तक पहुंच चुके हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मिस्टर होम्स कि मैं क्या कहूं। अब मुझे लगता है शायद मैं शुरू से ही बेवकूफी कर रहा था। अब जाकर मुझे समझ में आया कि मुझे ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आप गुरु हैं और मैं चेला। अब मुझे ये तो दिख रहा है कि आपने क्या किया, पर कैसे किया मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा। शेरलॉक होम्स ने हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है, हम अनुभवों से ही सीखते हैं, और इस बार का तुम्हारा पाठ यह है कि तुम्हें हमेशा ऑप्शंस हाथ में रखने चाहिए। तुम नैलीगन में ही इतना डूबे हुए थे कि तुम्हें किसी और के बारे में विचार तक नहीं आया। अब चलो इस आदमी की कहानी इसी की जुबानी सुनते हैं। हाँ तो पैट्रिक कैरल्स, अब बताओ कि तुम वहां क्यों गए थे और तुमने पीटर कैरी की हत्या क्यों की। पैट्रिक बोला, जी मैं आपको शुरू से बताऊंगा, लेकिन जरा मैं बैठ जाऊं ताकि आराम से बात कर सकूं। ये सन 83 की बात है जब वो हुआ था। ये उस साल के अगस्त का महीना था। पीटर कैरी सी यूनिकॉर्न जहाज का कैप्टन था और मैं एक भालाबाज। उस वक्त हम लोग वहां से वापस लौट रहे थे। तूफान में हमें एक छोटी नाव दिखी जो कि उत्तर की तरफ से बहकर आई थी। उस छोटी नाव पर एक आदमी सवार था जिसे हमने अपने जहाज पर चढ़ा लिया और फिर केबिन में उसके कैप्टन से कुछ बातचीत हुई। उसके पास टीन का एक संदूक था। जहां तक मैं जानता हूं उस आदमी के नाम का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था और अगली रात वो गायब हो गया, मानो जैसे वो कभी उस जहाज में था ही नहीं। ये मान लिया गया कि तूफानी रात में या तो वो खुद समुद्र में कूद गया या फिर किसी दुर्घटनावश गिर गया। सिर्फ एक व्यक्ति था जो जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था, और वो व्यक्ति था मैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि अंधेरे में कैप्टन पीटर ने उसे समुद्र में धकेल दिया था। मैंने ये बात अपने तक ही सीमित रखी और इंतजार करने लगा कि देखें क्या होता है। और जब हम स्कॉटलैंड वापस आए तो इस बात को बड़ी ही आसानी से भुला दिया गया। किसी ने उस आदमी के बारे में कोई सवाल नहीं किया। एक अपरिचित आदमी किसी दुर्घटना में मारा गया था और इसके बारे में किसी को भी पूछताछ की भला क्या पड़ी थी। उसके कुछ ही समय बाद पीटर कैरी ने समुद्री जीवन को छोड़ दिया और फिर कई सालों के बाद मुझे पता चला कि वो कहां पर था। मुझे पूरा अनुमान था कि ये सब उसने उस टीन के संदूक के कारण किया था, और मेरा मुंह बंद रखने के लिए मैं उससे अच्छी खासी रकम ले सकता था। मैं काफी टाइम तक उसका पता लगाने की कोशिश करता रहा और फिर एक नाविक से मुझे पता चला कि वो कहां था। उस नाविक ने उसे लंदन में देखा था। बस मैं उसके पीछे वहां पहुंच गया। पहली रात को तो मेरे प्रति उसका व्यवहार अच्छा था, वो मुझे पैसा देने को तैयार भी हो गया, और फिर दो रात के बाद हमारी इस बारे में फाइनल बात होनी थी। लेकिन जब मैं फिर से वहां पहुंचा तो मैंने उसे बहुत नशे में और गुस्से में पाया। हम दोनों बैठ गए और हम दोनों ने शराब पी और फिर हम पुराने दिनों को याद करने लगे। वो जितना ही पीता जा रहा था मुझे उतना ही उसका चेहरा बुरा लगता जा रहा था। मैंने दीवार पर टंगे भाले को भी देख लिया था। मुझे लग रहा था कि मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है, और आखिरकार वही हुआ। वो साला बुरी तरह से मेरे ऊपर चीखने चिल्लाने लगा। उसने मेरे ऊपर थूका और मुझे गालियां दी। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और आंखों में बहुत ही डरावने भाव। वो उस चाकू को अभी म्यान से निकाल भी नहीं पाया था कि मैंने वो भाला खींचकर उसके अंदर दे मारा। और मैं जानता हूं कि किस बुरी तरह से वो आदमी चिल्लाया था। उसका वो डरावना चेहरा आज भी मुझे सोने नहीं देता। मैं वहां खड़ा था और मेरे चारों तरफ उसका खून बिखरा पड़ा था। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया लेकिन वो मर चुका था। मैंने फिर से हिम्मत की, अपने चारों तरफ देखा। वहीं सेल्फ पर मुझे वो टीन का संदूक रखा दिखाई दिया।
मेरा भी उस संदूक पर उतना ही अधिकार था जितना पीटर कैरी का। मैंने जल्दी से वो संदूक उठाया और केबिन से बाहर निकल गया, लेकिन मेरी बेवकूफी के कारण मेरी तंबाकू की थैली वहीं पर छूट गई। अब मैं आपको इस पूरी कहानी की सबसे अजीब बात बताता हूं। मैं केबिन से बाहर निकला ही था कि मैंने वहां किसी को आते सुना। मैं जल्दी से झाड़ियों में छिप गया। थोड़ी देर में एक आदमी वहां आया और उस केबिन के अंदर चला गया। अंदर जाते ही वो इस तरह से चिल्लाया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, और फिर वो पूरी ताकत से वहां से भाग निकला। वो कौन था और क्या चाहता था इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। उसके वहां से जाने के बाद मैं 10 मील तक पैदल चला और फिर मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं लंदन पहुंच गया। और जब मैंने वो बॉक्स खोला तो देखा उसमें कोई पैसा नहीं था, बल्कि कुछ ऐसे कागज थे जिन्हें बेचने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मेरे खुद के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, अगर कुछ था तो वो सिर्फ भाला फेंकने की मेरी काबिलियत। फिर मैंने भालाबाजों के लिए नौकरी का ये विज्ञापन देखा जिसमें मोटा पारिश्रमिक मिल रहा था, और मैं शिपिंग एजेंट के पास गया और फिर उसने मुझे यहां भेज दिया। बस मैं इतना ही जानता हूं। हाँ, और मैं फिर से कहता हूं कि ब्लैक पीटर को मारने पर कानून मुझे धन्यवाद ही देगा, क्योंकि मैंने उनके एक फांसी के फंदे का खर्चा बचा लिया है। शेरलॉक होम्स खड़ा उठा, उसने अपना सिगार जलाया और एक कश मारता हुआ बोला, काफी स्पष्ट बात कही तुमने पैट्रिक। तो अब मैं सोचता हूं हॉपकिंस कि तुम्हें ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपने इस आदमी को सुरक्षित जगह में लेकर जाना चाहिए। यह कमरा कोठरी के रूप में ठीक नहीं है, और मिस्टर पैट्रिक इस कमरे में बहुत सारी जगह घेरे हुए हैं। हॉपकिंस ने आभार भरे स्वर में शेरलॉक से कहा, मिस्टर होम्स, मुझे पता नहीं मैं कैसे आपको धन्यवाद दूं। मुझे अब भी यह समझ में नहीं आया कि आप इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं ऐसे पहुंचा क्योंकि शुरू से ही किस्मत से मेरे हाथ एक ऐसा सबूत लग गया था। हो सकता है कि अगर मैं भी इस नोटबुक के बारे में पहले से जानता होता तो मैं भी तुम्हारी ही तरह सोचता, लेकिन जो कुछ मैंने वहां पर देखा वो सब कुछ एक ही दिशा में संकेत कर रहा था। हैरान कर देने वाली ताकत, भाला फेंकने की कुशलता, रम की बोतल, सील की खाल से बनी तंबाकू की थैली, उसके अंदर का तेज तंबाकू, ये सब कुछ, ये सारा सामान एक नाविक की तरफ ही इशारा कर रहे थे। मुझे पूरा यकीन था कि तंबाकू की थैली पर जो नाम के इनिशियल्स लिखे थे PC, वो सिर्फ एक संयोग था, और वो थैली पीटर कैरी की नहीं थी क्योंकि वो कभी कभार ही धूम्रपान किया करता था, और उसके केबिन में कोई पाइप भी नहीं मिला था। तुम्हें याद होगा हॉपकिंस कि मैंने तुमसे सवाल किया था कि क्या केबिन में विस्की और ब्रैंडी मौजूद थी। तुमने कहा था कि हाँ थी। अब अगर इन चीजों के मौजूद होते हुए भी कोई रम पी रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ एक नाविक ही हो सकता था, क्योंकि रम ही नाविक की पहली पसंद होती है। शेरलॉक की बात सुनकर हॉपकिंस ने पूछा, और आपने उसका पता कैसे लगाया मिस्टर होम्स? शेरलॉक ने कहा, ये तो बहुत ही मामूली सी बात थी। अगर वो नाविक था तो वो ऐसा ही कोई नाविक हो सकता था जो सी यूनिकॉर्न में पीटर कैरी के साथ मौजूद था। जहां तक मुझे पता था, पीटर कैरी दूसरे जहाजों पर नहीं जाता था। डुंडी तार भेजने में मेरे 3 दिन खर्च हुए, और उसके बाद मुझे 1883 में सी यूनिकॉर्न के क्रू मेंबर्स के लोगों के पूरे नाम पता चल गए। जब भालाबाजों में मैंने पैट्रिक कैरल्स का नाम पढ़ा तो मेरी खोज खत्म हो गई, क्योंकि पैट्रिक कैरल ही PC था, उस तंबाकू के थैले में लिखे हुए इनिशियल्स। मेरा ख्याल था कि वो अभी भी लंदन में ही होगा और बाहर जाने का मौका ढूंढ रहा होगा। मैंने कुछ दिन पूर्वी छोर पर बिताए और फिर आर्कटिक अभियान की तरकीब सोची, और फिर कैप्टन बेसिल के अधीन अच्छे पारिश्रमिक पर काम करने को तैयार भालाबाजों की आवश्यकता के लिए एक विज्ञापन दिया, और फिर नतीजा तुम्हारे सामने है। वाओ, क्या बात है मिस्टर होम्स, हॉपकिंस हैरानी से बोला। शेरलॉक ने कहा, तो अब माय डियर हॉपकिंस, जितनी जल्दी हो सके उस लड़के मिस्टर नेलिगन को छोड़ दो, और मेरे ख्याल से तुम्हें उससे माफी भी मांगनी चाहिए। टीन का संदूक उसे लौटा देना। हालांकि जो सिक्योरिटीज पीटर कैरी बेच चुका था वो तो हाथ से निकल चुकी है, लेकिन बाकियों पर उस लड़के का हक है। और अब बाहर से गाड़ी आ चुकी है और तुम इस मुस्तंडे आदमी को यहां से ले जा सकते हो।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।